बाणासुर आसी कार्तवीर्य आसी सहस्रा अर्जुन रावण आसी विंशबाहु जनक कहते समस्ते चेष्टा कर शिवधनु को गोटे अंगुली मात्र एमाने घुंचे पारिना ये तो बड़ विचित्र कथा सेतेबेले विश्वामित्र कहते आहे अनंत नाग को देखिच जनक जी कहले हाँ कहले अनंत नाग निजर मस्तक ए शशागर धरा को धारण कर तो गोटे गोड़ ना कंकड़ा बिछा बा साधारण बिछा आंकर बहुत गुड़िए गोड़ किंतु सी कौन ये पृथ्वी को धारण करें अर्थात बहुत गोड़ हाथ लोक बहुत मुंड लोक एम जे प्रबल बलवान आउ ये धनुज्ञ धनुरक्षा करेंगे ये कथा कहीं जनक जी आप विचार करपाई कहीं दुखित तो होरे रावण को पूरा काखे जाकिगिरी बाड़ी बहुत दिन रखिता रावणर गोटाए कौन पराक्रम अच्छी आपड़ जदि भावु पराक्रमी व्यक्तित्व माने मोर य शपथ द्वारा बड़ जंजाल पड़े आजे जंजाल पड़गली बोधे मोर कन्या बह करना कथाटा सेपरी नुहे तेणु विश्वामित्रंकर प्रबोधना जनक जी मन भितर भावना आणुच्छी नाई नाई कहीं ना कहीं जड़े सक्षम हब मो पण निश्चित पूरण हब जहाँ घरे झीटे अच्छी बह योग्य बापा मुंडे के चिंता भल योग्य पात्र देखी झी को बह दबा ये हूँ गोटे विराट गुरु दायित्व कोल कूल जी दिन कन्या को रखिली रखिली आउ गोटे कूल को देदेवी दुहिता दुई कूल को हिता हब से जाई मोर कूल मान सम्मान रखिबो पुणी सेठी मध्य खुशी रे रहिबो अन्य मानंकु खुशी रे रखिबो ये कम छोटिया कथा नुहे तेणु जनक जी को व्याकुलता जनक जी को मनरे अनेक परिताप बड़ सुंदर शब्द रे गोस्वामी लेखुचंती नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जोड़िए शब्द प्रयोग करागला गोटे हूँ चंद्र आ गोटे है राहु ये दुई जनकर संपर्क कौन ना चंद्र ग्रहण समय रे ये पूर्ण मुंडटा राहु चंद्रमा को ग्रास कर दिए अर्थात चंद्रमाकर जो औजल्य भाव जो सुशीतल भाव चंद्रमाकर जो प्रकाश ए राहु द्वारा ता संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाए तेणु नृप अर्थात समस्त आगत होइथिबा राजन्य मंडलींकर भुजर बल को ये शिवधनु राहु परी ग्रास करी जाउची समस्ते या पाखरे परास्त हो जाउचंती।